सावन के महीने की दूध। आज बादलों से घिरा चांद कैसे करेगा आपका हर सपना पूरा? कैसे सावन के चंद्रदेव देंगे मनोविकार से मुक्ति? कैसे सावन की दूज पर चंद्रदेव करेंगे आपके प्रीतम को आपके वश में? और सोम करेंगे आपके अपना घर बनाने का सपना पूरा? किस्मत जंक्शन में आचार्य कमल नंदलाल से जान लीजिए कैसे बना है खास आज का दिन। नमस्कार मित्रों, शुभ प्रभात। मैं हूं आपका कमल नंदलाल और आप सभी दर्शकों का कुंडली टीवी के स्पेशल प्रोग्राम किस्मत जंक्शन में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 यानी कि आज के विशेष। आज है रविवार, तारीख है 12 अगस्त 2018 और इस दिन सावन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर दूज पर चंद्र दर्शन पर्व मनाया जाएगा। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। शास्त्रों ने चंद्रमा को सुधाकर और सुधांशु भी कहा है, जिसका संबंध जल तत्व से है। सुधा का अर्थ है अमृत, मधुर तरल अर्थात जल। पृथ्वी पर अगर अमृत है तो वह जल ही है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बगैर जीवन है ही नहीं, इसलिए जल अमृत है। सोम का दूसरा नाम भी अमृत है और जल ही है। रात्रि को प्रकाशित होने की वजह से चंद्रमा को निशापति, रात्रि का स्वामी भी कहते हैं। पौराणिक मतानुसार ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से एक साथ हुआ था। इन्हीं चंद्र पत्नियों के नाम पर 27 नक्षत्रों के नाम भी पड़े हैं, अश्वनी से लेकर रेवती तक। चंद्रमा सर्वमय है, वह 16 कलाओं से युक्त है। ये कलाएं चंद्रमा की 16 तिथियां हैं, एकम से लेकर पूर्णिमा तक और अमावस्या। द्वितीया तिथि चंद्रमा की दूसरी कला है। इस कला का अमृत कृष्ण पक्ष में स्वयं सूर्य पीकर स्वयं को ऊर्जावान रखते हैं और शुक्ल पक्ष में पुनः चंद्रमा को लौटा देते हैं। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान शंकर देवी गौरी के समीप होते हैं। इस कारण शिव पूजन, शिवार्चन, पार्थिव पूजन और विशेष रूप से चंद्र दर्शन और पूजन अति शुभ रहता है। चंद्र दर्शन हर महीने में अमावस्या के बाद जब पहली बार आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है उसे चंद्र दर्शन कहते हैं। शास्त्रों अनुसार इस समय चंद्र दर्शन करना अत्यंत फलदायक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मन और ज्ञान के स्वामी चंद्रमा अनादि व अजय हैं। इनका वर्ण गौर है। इनके वस्त्र 10 घोड़ों वाला रथ श्वेत है। इनके एक हाथ में गदा है और दूसरे में वर मुद्रा है। कुंडली में, जन्म कुंडली में अशुभ चंद्रमा होने के कारण मानसिक विकार, मनोरोग, डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती हैं। माता को कष्ट होता है, धन हानि की संभावना रहती है। सावन की दूज पर चंद्रमा के दर्शन और विधिवत चंद्रदेव के पूजन से मनोविकार से मुक्ति मिलती है, डिप्रेशन खत्म होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और प्रेम संबंधों में स्पेशली सफलता मिलती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज की स्पेशल पूजन विधि के बारे में। संध्या के समय जब चंद्रमा उदय होते हैं तब चंद्रमा का 16 चीजों से पूजन कीजिए। गौघृत का दीपक जलाइए, कर्पूर जलाकर धूप करें, सफ़ेद फूल चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, चावल व इत्र चढ़ाएं तथा चावल की खीर का भोग लगाएं तथा पंचामृत से चंद्रमा को अर्घ्य दें तथा सफ़ेद चंदन की माला से 108 बार इस स्पेशल मंत्र का जाप करें। और हाँ, प्रेमी को वश में करने के लिए आईने पर रोली से, यानी कि जो आईना होता है फेस देखने वाला मिरर, उस पर रोली से थोड़ा सा गीला करके रोली को प्रेमी का नाम लिख कर आईना चंद्रदेव को दिखा दीजिए और पूजन के बाद आईना किसी सुहागन महिला को भेंट कर दीजिए। चंद्रमा का जो पूजन मुहूर्त है वो है शाम को 7 बजे से लेकर शाम को 7:45 का, और चंद्र दर्शन मुहूर्त और आईना दिखाने के लिए मुहूर्त जो है वो है शाम को 7:15 से लेकर 8 बजे तक। पूजन मंत्र जो रहेगा वो रहेगा ओम शीतांशु विभांशु अमृतांशु नमः। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम शीतांशु विभांशु
अमृतांशु नमः। तो चलिए किस्मत जंक्शन के सेकंड सेगमेंट शुभ मुहूर्त में अब बात करते हैं कि आज कौन सा स्पेशल टाइम आपको अच्छी हेल्थ दे सकता है, कौन सा मुहूर्त दिला सकता है आपको लव लाइफ में सक्सेस, बिजनेस में सक्सेस और कोर्ट केस में भी सक्सेस, कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा मुकदमे दायर कर फैसले अपने पक्ष में लाने के लिए, विवाद सुलझाने के लिए, धन लाभ के लिए, प्रॉपर्टी के सौदों के लिए, नई डील साइन करने के लिए। तो चलिए जानते हैं किस्मत जंक्शन के कौन से प्लेटफॉर्म पर कब पहुंचेगी आपके शुभ मुहूर्त की सुपर एक्सप्रेस। अगर आप आज किसी को प्रपोज कर रहे हैं या किसी खास से दिले हाल बयां करना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट टाइम रहेगा सुबह 7:28 से लेकर 9:08। अगर आज आपको 2-व्हीलर या 4-व्हीलर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट टाइम रहेगा सुबह 9:08 से 10:47 तक। अगर आज आप कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या नींव रखना चाहते हैं तो इसके लिए अच्छा टाइम है दोपहर को 2:07 से लेकर 3:46 तक। अगर आज आप कोई बेबी की डिलीवरी कराने की सिजेरियन कराने की सोच रही हैं तो इसके लिए अच्छा समय रहेगा दोपहर को 2:07 से लेकर 3:46 तक। अगर आज आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए बयाना लेने और देने की सोच रहे हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 9:08 से लेकर 10:47 तक। अगर आज आप शेयर बाजार या कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए लकी टाइम आज नहीं है। अगर आज कोर्ट कचहरी में किसी मामले की दरख्वास्त देने की सोच रहे हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त भी आज नहीं है। अगर आज आप सोने या चांदी की ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम रहेगा शाम को 7:05 से लेकर शाम को 8:26 तक। नया बिजनेस शुरू करने की अगर आप सोच रहे हैं तो उसके लिए अच्छा टाइम रहेगा सुबह 9:08 से लेकर 10:47 तक। अगर आज आप फाइनेंशियल लेन देन करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम रहेगा शाम को 7:05 से लेकर शाम को 8:26। तो चलिए किस्मत जंक्शन के तीसरे सेगमेंट उपाय चमत्कार में अब बात कर लेते हैं उन पहलुओं की जो लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरी बात मान लीजिएगा कि इन पहलुओं के बगैर जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, जीवन अर्थहीन है। तो हम आपको किस्मत जंक्शन के इस सेगमेंट उपाय चमत्कार में ये बताने जा रहे हैं कि कैसे पाएंगे आप गुड लक से गुड हेल्थ, कैसे टलेगा विवाद और कैसे होगा हानि से बचाव, कैसे मिलेगा आर्थिक प्रोफेशनल और बिजनेस में लाभ, कैसे फैमिली और मैरिड लाइफ में मिलेगी सक्सेस आपको, और कैसे एजुकेशन और लव लाइफ में रह सकते हैं सुखी आप। जान लीजिए किस्मत जंक्शन का ये प्लेटफॉर्म लाइफ के हर मोड़ पर देगा आपको सक्सेस का उपहार। गुड हेल्थ के लिए चंद्रदेव पर चढ़े चंदन से मस्तक पर तिलक कीजिए। गुड लक के लिए चंद्रदेव को दूध से अर्घ्य दीजिए। विवाद टालने के लिए पानी में शक्कर मिलाकर यानी पानी को मीठा कर चंद्रदेव पर अर्घ्य दीजिए। नुकसान से बचने के लिए चंद्रमा पर 12 सफेद फूल चढ़ाइए। प्रोफेशनल सक्सेस के लिए चंद्रदेव पर चढ़ा सफेद धागा अपनी कलाई पर बांध लीजिए या बंधवा दीजिए। एजुकेशन में सक्सेस के लिए चंद्रदेव पर चढ़ा सफेद फूल टेक्स्ट बुक के बीच में रखिए। बिजनेस में सफलता के लिए चंद्रदेव पर चढ़ा 2 रुपये का सिक्का जो आपका वर्क प्लेस है उसके गले में रखिए। पारिवारिक खुशहाली के लिए चंद्रदेव पर चढ़े जल से घर में छिड़काव कीजिए। लव लाइफ में सक्सेस के लिए शहद मिले जल से चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। मैरिड लाइफ में सक्सेस के लिए दंपत्ति चंद्रदेव पर इत्र मिले जल से अर्घ्य दीजिए। तो फ्रेंड्स किस्मत जंक्शन में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर जिसमें हम निकालेंगे आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन और बताएंगे किस्मत जंक्शन के किस प्लेटफॉर्म पर आएगी आपके सफलता की सुपर एक्सप्रेस। तब तक देखते रहें कुंडली टीवी और कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए, नमः शिवाय। लेकिन एक ख़ास बात और, इस प्रोग्राम के बाद हमारा अगला प्रोग्राम आपका राशिफल ज़रूर देखिए जिसमें मैं आपको बताऊँगा आपके दिन का हाल। नमस्कार, नमः शिवाय।